हेलो एंड वेलकम टू डीएमके न्यूज़। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि इन दीज ईयर्स अरुणाचल प्रदेश के जो पासिंग ग्रेड है वो किस तरह से कम हो गया है। तो उसी के चलते यहाँ रोनो में एक मास टीचर मीट कराया गया है फॉर ऑल द पापुमपारे यू नो रूरल टीचर्स के लिए, और यहाँ में बहुत सारे टीचर्स इस वर्कशॉप को अटेंड भी कर रहे हैं विद द मोटो टू रीवैम्प द एजुकेशन सिस्टम एंड गिव क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। Let us have a look. Meeting ki discussion hua tha ki what was the root causes of poor performance in last CBSE examination. Our class president is honoring our honorable chairman. Our today's resource person is none other than Professor Naga Nagar Pina sir of Portugal Science Department, RGU. Congratulations, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और हम दिल से चाहेंगे going to receive very very big congratulations. Sir has come to receive this award. Very big congratulations, sir. Very big clap for them. Our very respected resource person, Professor. सर आज यहाँ पे टीचर्स मीट हुआ ना तो डिग्री का, सो आपका टॉपिक था रीवैम्पिंग द एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। ये 22-23 और जो सेशन का थोड़ा ख़राब था, तो इसके लिए DDSC और DPC और एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है, और हम बैठ के ये डिस्कस किया था ये एग्जैक्टली क्या कैसा हो गया ये, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा रिजल्ट आया था कि बिल्कुल नील हो गया। तो ये फिर डिस्कस करके हम लोग को 9 तारीख में एक मीटिंग बैठाया था कि एग्जैक्टली रिजल्ट ऐसा कैसा हो गया उसको समझने के लिए कि सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी जो इंचार्ज टीचर्स लोग हैं, इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, उन लोग को बुला के एक मास मीटिंग बैठाया था। तो उसमें ये उन लोग बताया कि 12 में तो ठीक है लेकिन आपका क्लास 10 में थोड़ा ख़राब है। तो ये उन लोग बोला है कि ये हमारा जो एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम जहाँ से जो बच्चा आते हैं क्लास 10 तक, तो उनमें प्रॉब्लम है, उन लोग कैच नहीं कर पा रहा है एजुकेशन सिस्टम को, और इसलिए रिजल्ट बहुत पोर है। तो इसलिए फिर हम लोग ये डिसाइड किया कि नहीं, उनका भी प्रॉब्लम को जान लेते हैं कि ये जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल लेवल में क्या प्रॉब्लम है, किस लिए ऐसा बच्चा पिक नहीं कर पा रहा है क्लास 9-10 में। तो इसके लिए आज हम लोग बिठाया था, आज July 1 है, तो बहुत मोर देन 300-400 टीचर्स आया है, उनका व्यू को भी शेयर किया गया है, और हमारा टीचर एसोसिएशन का भी आशाता एंड आता और प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट यूनिट का आता का उन लोग भी व्यू शेयर किया है कि पॉलिसी में भी थोड़ा प्रॉब्लम है एंड स्टूडेंट में भी प्रॉब्लम है, देन टीचिंग टीचर्स में भी थोड़ा मिला जुला के पूरा सिस्टम में थोड़ा थोड़ा करके ये प्रॉब्लम है, ये अभी तक हम लोग को जानकारी मिला है। तो सर ये जानकारी मिलने के बाद आप लोग जो पॉलिसी आप लोग नया बनाएंगे या जो बनाने जा रहे हैं उसे कब इम्प्लीमेंट करेंगे? बिकॉज सिर्फ जो ये वर्कशॉप हो गया, ये मीटअप्स हो गया, ये तो होते ही रहते सर ना, बट कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है, तो उसके बारे में जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल का टीचर्स लोग को, इंचार्ज लोग को, हेड मास्टर लोग को बुलाया था। तो ये बात तो निकला है कि इस एजुकेशन जो पॉलिसीज़ है जो पहले से, अभी थोड़ा नया नया पॉलिसीज आके थोड़ा इसमें गड़बड़ी है। तो ये चीज़ जो आज उन लोग बताया है, हम लोग डिस्कस करेंगे DDSC और DPC है एंड अदर हम लोग एकेडमिशियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हम लोग बैठ के डिस्कस करके गवर्नमेंट को हम लोग बताएंगे प्रॉब्लम ये है ग्राउंड में।
सर और जब मैं वर्कशॉप या अटेंड कर रही थी तो बहुत लोगों ने लाइक कुछ लोगों ने आई मीन उन्होंने बोला कि जो टीचर्स है प्रॉक्सी करते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आज तुम जाओ कल हम जाएगा, फिर कुछ कुछ लोग सिर्फ सुबह को आते लेकिन दिन को चला जाते, फिर कुछ दिन को आते पर सुबह को नहीं आते, तो उसका उस वजह से जो स्टूडेंट्स है उनका पढ़ाई लिखाई भी रुक जाता है। तो इस तरह के टीचर्स के लिए, इस तरह के इंडिविजुअल्स के लिए क्या एक्शंस लेंगे आप लोग? अब देखो, ये आप जो बताया ये मेरा ख्याल से ये गलत बात है, मेरा टीचर ऐसा नहीं है। आज बोल रहे थे टीचर्स ही बोल रहे थे। हाँ, ये एक्चुअली उन लोग एग्जाम्पल से बोल रहा था, ऐसा है बोल के तो नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, यही बात कर रहा था। तो इसलिए इसको ये सभी को पता है और मैंने भी मैसेज दे दिया है कि अभी जो जो फास्ट थे तो फास्ट थे ना, अभी हम लोग जो प्रेजेंस में हैं, अभी एकेडमिक सेशन भी स्टार्ट हुआ है, इससे आप लोग एक्सक्यूज चीज़ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट एकेडमिक सेशन में थोड़ा सा ये COVID-19 का कारण भी थोड़ा सा ये एक्सक्यूजेस है, लेकिन अभी एक्सक्यूजेस नहीं होगा, ये क्लियर मैसेज तो दे दिया है। और जो सर्विस रूल में है उसका तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो सर एक चीज़ आपसे जानना चाहता है, सर आपने भाषण में कहा है कि अगर गवर्नमेंट ड्यूटी वाला काम नहीं करता है, एज ए आप अभी पहुंचे जिला के पद अधिकार है, तो क्या टीचर पर सिर्फ लागू करेंगे या अलग गवर्नमेंट जो जो काम करता है उस पर भी लागू करेंगे? नहीं देखो, डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो कंट्रोलिंग ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट का, जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, एक्शन ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, किसी को भी ले सकते। तो सर अभी हमें ये देखने मिलता है एजुकेशन सेक्टर में कि यहाँ के जितने भी एजुकेशन प्राइमरी सेक्शन हो गया वहाँ में क्वार्टर का कमी का होने के कारण से टीचर नहीं आ पाता है, नहीं जा पाता है। तो टीचर अगर क्वार्टर होता तो टीचर मतलब अवेलेबल मतलब मिल जगह मिलना तो होगा सर, तो उस पर क्या राय रखते हैं आप सर? ये देखो, गवर्नमेंट पॉलिसी क्लियर है, जहाँ जीरो इनरोलमेंट हो रहा है ये इनरोलमेंट है उसको क्लब करना है, ये एक बेस्ट पॉलिसी हम जो देख रहे हैं अभी। और एक मैं तो पहले से एक मेरा एक विचार था कि ऐसा स्केटर्ड वे में पॉपुलेशन थिनली पॉपुलेटेड प्लेसेस में स्कूल रखना ये ठीक नहीं है, ये मेरा एक विचार पहले से था, क्योंकि मैं आउटपोस्ट में रहा तो इसमें टीचर अकेला होगा, देन क्लास का जो आपका एमिनिटीज़ जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए इस टीचर के लिए, जैसा कि ब्लैक बोर्ड होना है, चौक होना है, देन झाड़ू मारने वाला होना है, देन उसका साथ जो बातचीत करने वाला होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो टीचर कुछ नहीं कर पाएगा, आप एक टीचर से एक स्कूल नहीं चला सकेगा। ये मेरा एक पहले से विचार था कि इसको क्लब करना चाहिए और ऐसा एक नया मॉडल स्कूल टाइप का बनाना चाहिए, ताकि पूरा एक सर्कल का एक ही जगह में हो, तब हम मेरा टीचर भी जाएगा और वो एक डिसिप्लिन वे में भी हम लोग कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा और विजिट भी कर सकेगा। अभी इसके दर्द वे में आप यहाँ एक बस्ती है, आप तर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक बस्ती है, उसमें पैदल जाना पड़ेगा, ऐसा में टीचर कैसा रहेगा और कैसा स्टूडेंट को पढ़ा सकेगा? आई थिंक ये जो अभी जो सिस्टम अभी जो बोल रहे हैं क्लबिंग सिस्टम वो बेस्ट रहेगा। सर अभी इस विधेयक पर कहा गया है कि इफ अगर क्लास वन से पहला UKG LKG सरकारी स्कूल में होता तो ठीक होना था पढ़ाई में, डायरेक्टली वह घुसता है क्लास वन में, तो कैसे करेंगे उसको सर? तो उसका क्या इम्प्लीमेंट रहेगा? देखो, ये गवर्नमेंट तो स्टडी करके पॉलिसी प्रोग्राम बनाता है, इसमें आपका आंगनबाड़ी सेंटर्स भी है, अभी गवर्नमेंट पहले थोड़ा ड्रॉप किया था बोला है, अभी तो बहुत सा जगह में अभी प्री प्राइमरी स्कूल खुल गया है, यानी अभी वो एक्सक्यूजेस नहीं होगा अभी, इसलिए आज क्लियर कर दिया है अपर प्राइमरी लेवल को कि अभी एक्सक्यूजेस नहीं होगा। का मकसद तो यही था कि वी हैव वन मीटिंग इन द लास्ट मंथ ऑन 9th of June, तो उसमें हमने प्रिंसिपल हेड मास्टर लोग को बुलाया था, जिसमें हमने चर्चा किया कि पोर परफॉर्मेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ क्लास 10 and 12, और उसके तहत फिर हम लोग ने देखा कि हमारे हेड मास्टर प्रिंसिपल लोग ने बताया कि एलिमेंट्री लेवल में कुछ समस्या है, तो उस समस्या को जानकारी करने के लिए आज ही हम लोग ने जितना हमारे प्राइमरी लेवल से लेकर एलिमेंट्री का जितना हेड टीचर है टीचर लोग को बुलाया है कि उसका क्या कमियां हैं, उसको जानकारी के लिए ऑब्जेक्टिव आज वही था, उसी का डिस्कशन के लिए उनको बुलाया था। ये तो डिसाइड क्या हुआ सर, कुछ पॉलिसी में? हाँ, पॉलिसी हम लोग नहीं बनाएंगे, पॉलिसी ऑलरेडी बना हुआ है सरकार के तरफ से, पॉलिसी बना हुआ है, हमको इम्प्लीमेंट करने में कुछ कमियां है क्या,
हमारा टीचर में जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं उसमें हमारा कुछ समस्या है क्या, उसको हम लोग जानकारी करके थोड़ा डिस्कस करके उसको हम आगे और लेके जा सकते हैं। हम सरकार को डिपार्टमेंट को बताएंगे ये हमारा समस्या है, उसको कैसे हल कर सकता है, हाउ वी कैन कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, यही हम लोग का। तो सर हम ये देखने मिलता है पकुमपारे में देखने मिलता है कि अमची हो गया और इसका अंबा हो गया, उस पर जैसे प्राइमरी स्कूल हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, उस पर ज़्यादातर 15 या 20 टीचर होता है, फिर जैसे दिखता है सगली साइड में इंटर एरिया में उसमें 7 या 8 होता है, सर उस पर क्या कहना है? हाँ, दिस इज ये पैक थ्रू है, आप जो सवाल किया बहुत पैक सही है। हमारे ये पुतिल एरियाज में थोड़ा लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स का दिखाई देता है। कारण है कि हमारा नंबर वन रीजन इज दैट लेडी टीचर ज़्यादा है, उनको हम जैसे मैंगो भेजेंगे ले पोरिंग भेजेंगे तो उधर वाटर का एकोमोडेशन का प्रॉब्लम है, तो उनका परिवार का प्रॉब्लम है, ऐसे करके वो थोड़ा इधर में ज़्यादा संख्या दिखाई देता है। और एट द सेम टाइम इनरोलमेंट भी इधर थोड़ा ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द इनरोलमेंट ऑफ दोज स्कूल्स लोकेटेड इन द रूरल इंटीरियर एरिया, वही थोड़ा है। फीमेल टीचर ज़्यादातर क्यों अर्बन में दिया गया है, रूरल एरिया क्यों नहीं दिया गया आपने से डीडीएस और से? फीमेल तो वही बात है ना, फीमेल का प्रॉब्लम हो गया क्या, उसका बाल बच्चा है, घर बार देखना होता होगा, कुछ बीमार है, क्या कारण है, और उधर एकोमोडेशन नहीं है। तो हमारा जेंट्स टीचर तो और तो उनको दे सकता है लेकिन कहीं एडजस्ट कर, लेकिन फीमेल को उधर जब हमारे रहने का एकोमोडेशन नहीं है तो सवाल खराब हो जाता है, वही है। सर और एक सवाल है कि ज़्यादातर क्या सब्जेक्ट टीचर को CRCC में ज़्यादा रखा गया है, क्या ज़रूरी है क्या उसका लिए? नहीं, CRC हमारा वो एकेडमिक सपोर्ट है, क्लस्टर जो कोऑर्डिनेटर है, ब्लॉक का कोऑर्डिनेटर होता है, हम लोग जो उनका काम होता है कि एक स्कूल में जा करके कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देखना चाहिए, कहाँ हमारा कमियां है तो उसको अपडेट करने के लिए वो CRC दिया जाता है। तो उसका CRC का जगह में शायद टीचर रिक्रूट किया गया है इन प्लेस ऑफ दो CRCs हु हैव बीन रिक्रूटेड एज CRCs एंड BRCs एट सर्कुलर एंड ब्लॉक लेवल, उस जगह में हमारे टीचर रिक्रूटमेंट किया है, उसके लिए ये नहीं है। तो सर एक समय ऐसे था कि जो सर्कल के लिए जो टीचर दिया गया है लेकिन वो अभी वापस आ गया है, उसको कब सर्कल भेजेंगे सर? हाँ, उसका मैंने अभी नहीं, हम बहुत पहले भी जो है ना आवाज इंचार्ज दीदी ऐसे उस समय भी इसका चर्चा किया था कि जो टीचर पहले जिस ब्लॉक में जिस सर्कल में रिक्रूटमेंट किया था दे शुड गो बैक। तो ये मैं बहुत बार चर्चा किया डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, जिला परिषद के साथ, डिप्टी कमिश्नर के साथ, ऑनरेबल लोग के साथ भी चर्चा किया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ कुछ समस्या लेकर के आगे खड़ा कर देते हैं। तो हम जो ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर देते हैं लेकिन सफलता नहीं होता है। सर जो मेरा रिसर्च का मतलब जो रिसर्च से मालूम चला है कि जैसे आप ट्रांसफर दिया जाता है टीचर को तो टीचर नहीं जाता है, तो उस पर आप क्या कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई तो हम लोग ने तो पहले भी किया है, उसका तनख्वाह भी बंद किया जाता है, कुछ 100 नोटिस दिया जाता है, उतना तक तो हम लोग करते हैं, ऐसे ही करेंगे, लेकिन उसको तो हम मारपीट तो नहीं कर सकते हैं, दे हैव टू कम्प्लाई द ऑर्डर, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाते, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको क्या एक्शन लिया जाए। तो सर कुछ टीचर का कहना है कि जो सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट लिया गया है उसको अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा के दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा देता है उसके, तो सर क्या ये सही है क्या? ना, वो ऐसे जहाँ के सब्जेक्ट टीचर का कमियाँ अगर ऐसे है तो वो तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टीचर, अगर शोर तो जैसे हमारे एलिमेंट्री लेवल में हमको 8 टीचर होना है, मैक्सिमम 8 टीचर होना है, मिनिमम 5 टीचर होना है, लेकिन उसमें टीचर का कमी होने से तो डबल क्लास तो लेना पड़ेगा, आइदर वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई दूसरा सब्जेक्ट भी तो लेना पड़ेगा, वो तो मजबूर है। तो सर हमें दिखाई देते हैं कि सगाली एरिया में जितना भी प्राइमरी सेक्शन है उसमें असेंबली के लिए जो हॉल होता है नहीं, मतलब वहाँ देखने नहीं मिलता है असेंबली से के लिए बोल करके तो कुछ ऐसे पान तो नहीं है। इनिशियली एक दो स्कूल में शायद चीफ मिनिस्टर समाज शिक्षा का शिक्षा योजना के अंतर्गत में कुछ एक दो स्कूल में दिया है, लेकिन हर में ऐसे प्रावधान नहीं है। तो इस बार भी हमने एक हमारा जो DC साहब से रिक्वेस्ट करके तरू में एक बनवाया, इस प्रकार से कहीं कहीं से होता है तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन ऐसे उसके लिए स्पेशल कुछ पानी असेंबली से धोना है बोल करके। असेंबली से तो आप बात छोड़े दीजिए, हमारे क्लास रूम का रिनोवेशन मेंटेनेंस के लिए बांध नहीं है, ये तो मैंने एडिशनल बर्डन है। तो सर लास्टली क्या मैसेज रहेगा टीचर, जितना टीचर आज यहाँ प्रेजेंट किया 600 टीचर प्रेजेंट किया गया है, उसका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो मैं तो क्लियर का हमारा भाषण में भी हमने बोल दिया कि हम लोग का कमियाँ जो है उसको हम अभी इंट्रोस्पेक्ट करना है कि अगर हम सिंसरिटी नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है, उसको हम अभी रीगेन करना है, वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ्स, तो उसको हम आगे लेके कैसे सिस्टम को बढ़ाना है, आगे अच्छा क्वालिटी एजुकेशन को लेके जाना है,
उनको मैंने सलाह दिया है. आई थिंक आई एम वेरी मच होपफुल दैट माई टीचर विल कोऑपरेट विथ मी एंड देल एक्सटेंड एवरी पॉसिबल. तो अभी आपने देखा कि ये जो प्रोग्राम है हमारे स्पेशली हमारे टीचर्स के लिए रखा गया, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो जो अच्छा काम कर रहे थे अपना काम को और बेहतर करें और हमें होपफुली देखने को मिले बेहतर रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. दिस इज़ रिमताही नाबम विथ कैमरा पर्सन नाबम जोसेफ, डीएमके न्यूज़.